अखिलेश यादव ने बीजेपी को धमकी देते हुए कहा कि अगर सपा की सरकार आई तो बीजेपी के बड़े बड़े गुंडे माफियाओं का बुलडोजर से घर गिराया जाएगा, बुलडोजर इन्हीं का होगा। और ये हमारे पुलिस के लोग बहुत ही अनुशासन में रहने वाले लोग हैं, ये भी ऑर्डर मानते हैं और कुछ नहीं मानते हैं। अभी ऑर्डर चल रहा है बुलडोजर से कि 2 मंजिले घर गिराओ, अभी ऑर्डर तो चलता है वो गरीबों के घर के गिराने का है। और जब समाजवादी लोग सरकार में आ गए तो यही ऑर्डर मानेंगे, वही बुलडोजर होगा। सबसे बड़ी भूमाफिया सरकार है, और ये बात अगर मेरी गलत है तो मैं पत्रकार साथियों से कहूंगा आप लोग ईमानदार बन जाओ, आप लोग ईमानदार बन जाओ और जाओ कानपुर में जो बिल्डिंगें आपको दिखाई दें बड़ी बड़ी मैं देख के यहां बताओ इलीगल है कि नहीं है। लखनऊ देख के आओ इलीगल है, बनारस देख के आओ जो बड़ी बिल्डिंग है वो इलीगल है कि नहीं है। और फिर बीजेपी के लोग भू मांगे, इसलिए मैं कह रहा हूं आप अयोध्या की दृष्टियां बता दो सबसे ज्यादा किसने कराई है, सबसे ज्यादा बीजेपी के लोगों ने दृष्टि की है। लखनऊ में जमीनों की सबसे ज्यादा दृष्टि अगर किसी ने कराई तो बीजेपी ने कराई, इलाहाबाद में और आपके बनारस में सबसे ज्यादा भू माफिया और जमीनों का कब्जा अगर कोई करता है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं।